अजीब अजीब चीजों। मैं जो समझ रहा हूँ सामान्य बताइएगा कि बता रहे हैं कि आसमान पे इनको रोशनियाँ नज़र आती हैं, लाल लाल आंखों नुमा, लाल लाल मतलब बड़ी ब्लैक जैसी चीज़ें वो उनको नज़र आती है और बता रहे हैं वॉशरूम में कुछ देखा। हाँ हाँ अटैक आ गया। दो तो पहले पार्टी थी, उसने आपिस बनाने के चक्कर में आए थे, स्टाफ आया था पूरा। अच्छा। उसने पता नहीं क्या देखा, एक दो तो पागल हो गए, दो तो मर गए यहीं पे। ओहो। दो सिर्फ आंखें नजर आती हैं, आंखें नजर आती है, कभी बाल है, कभी आंखें हैं, कभी पांव नजर आ रहे हैं, कभी क्या आवाज आ रही है, कभी कुत्ते की तरह बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, एक जैसी चीजें भी नहीं है। अभी किसी को बोलो ना भाई अंदर आओ, बाहर से किसी को बोलो अंदर चलो, बोला कर नहीं भाई हमको अंदर नहीं जाना। मतलब अभी हम यहाँ खड़े हैं, अगर वो आएगी हाँ, तो हमें नजर नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी अंधेरे में, इतनी बुझाली खतरनाक चीज है भाई। ला जाने जो सुन के आए थे उसको कई गुना ज्यादा है। बंदे भाई तो पागल हो गए और उसी दिन दो मौतें हुई है, मौतें हुई है सेम डे। हाँ आप बताएं अचानक हार्ट बंद कैसे हो जाए, एक का हो जाए दूसरे का हो जाए उसी दिन दो पागल भी हो गए। पागल भी हो गए, इधर से लोगों पूरा इलाका आया, कोई भी अंदर नहीं है, बाहर देख रहे थे। फिर एक पता नहीं किधर से बंदा आया, उसको उठाया उसने, गांव का ही बंदा था, उसको कोई इल्म नहीं था, को बाहर उसको उसने बला ने उठाया था, इधर देख रहे थे, इसे उठा के घूम रही थी बंदे, आंखें नजर आ रही है, आसमानों में चीख रही है, उलर रही है, वो बंदा उस दिन से लेके अभी तक बंदा हुए नहीं नजर आया, किधर गया यार। ये बड़ा अनोखा मसला है, ये समझ से बाला तक बंदा उठा के ले गई, बंदा उठा के गई, अभी तक बंदे का कुछ भी नहीं मिला इधर भाई। का इसको पूरी का बिल्डिंग जो बना के रखते हैं ना, बिल्डिंग है ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी, मॉडल बना के रखता, वो मॉडल का चिकना चूर हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा बीच में खड़ा किया था। हाँ पूरा सिस्टम उनको बिगाड़ गया पूरा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है, अल्लाह आलम जानता है भाई। आवाजें आती है हमने अपने कानों से सुनी है, नजर आता है आसमानों में उड़ रही है कोई चीज ऐसी, इधर जा रही है उधर जा रही है, वॉशरूम में जा रही है, उधर वो खिड़कियां उधर लगा है। अच्छा, बताएं ये बाहर बिल्कुल मेन रोड है। हाँ तो क्या मेन रोड पे आने जाने वालों को किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ अंदर आने वालों को? अंदर वालों को तकलीफ है, बाहर चीखे सुनते हैं लोग, क्यों कोई बंदा गुजरता है, नहीं जाती है अंदर, रुकता नहीं है कोई, कोई नहीं रुकता, पता चल गया ना अभी इलाके वालों को भाई इधर तो ये मसला है, कोई नहीं रुकता। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हमने कुछ गाड़ियों की आने जाने की आवाजें सुनी, कोई एक भी रुका नहीं है, नहीं रुका। देखो गाड़ी खड़ी है, रात को कोई पूछे ना भाई कौन खड़े, कोई नहीं पूछेगा, भले 10 बंदे खड़े रोड पे जाके, इस गेट के सामने आप रोड पे खड़े हो गए तब भी कोई नहीं रुकेगा। ओ मोबाइल पुलिस की भी सही नथी भी है तो ती भला है ते। हाँ मोबाइल जगह पुलिस ये हुआ भी नथी भी है तो ती भला है। गेट ते मुझे बाहर ही बेंदा ना कह के हाथ दींदा ना, वो चंदी बाबा ही भला बीठी है तो मारू ना, ये भला बीठी हणी धक मारू मारे ले खौफ है ना उनके भला जो बटे मारू थे जाया थियान बटे एकड़े के खड़ी हो। जो नहीं समझ रहे मैं बता देता हूँ आपको कि कह रहे हैं कि पुलिस की मोबाइल नहीं रुकेगी बाहर, आप अगर बाहर किसी को रोकेंगे भी तो कोई रुकेगा नहीं, सब यही कहेंगे कि ये बला है जो। जी हाँ बला खड़ी है, बल्ला नहीं है, टक्कर मार के चले जाएंगे, बोला बल्ला है मारू नहीं है। इस वजह से भी रोड पे कोई इस गेट के सामने नहीं खड़ा होता, एक दो बंदे को नुकसान भी हुआ, मोटरसाइकिल मार दिया, बोला बला खड़ी है। दिल और बेचैन हो गया ये मसला इधर सही।
तो बाबा किसी को बुलाया नहीं किसी से, कोई साहिब इल्म को, साहिब नजर को, किसी बाबा इधर किसी कोई नहीं आता, इलाके के पीरी नहीं आता, उनको बोला बड़ा खतरनाक चीज है, हमारे से कल्टू में नहीं है। अच्छा एक ख्याल ये आ रहा है दादा कि शायद ये इस मालिक के लेने से बाद नहीं, उससे पहले से ही मसाइल होंगे। 13-14 साल में सेकंड मालिक है ये। तो क्या बाबा किसी ने यहाँ पर कोई दरख्त काट दिए हैं, किसी से दुश्मनी ले ली है, कि उनका घर खराब कर दिया है? नहीं कुछ नहीं था, ऐसे ही था ये जगह बिल्कुल। ये कटाई वटाई किसने की है सर? ये ऐसे ही था जगह कटाई है, वो लोग लकड़ी वाले करते थे, अभी तो नहीं है, वो लकड़ी है, जब आते थे ना कटाई वटाई होती थी तो मारते दरखते तो उधर देते थे, वो दरख से आवाज आती लोग उधर कुल्हाड़ी बोले अभी तक पड़ी होंगी उधर साईं, वो छोड़ के भाग गए। चलो सही, कौन रुके रहा है? जितना इन्होंने बताया इतना जिन्होंने भेजा उन्होंने नहीं बताया। तौबा सुहेल भाई, कौन करता है ऐसा? ये इसके पीछे का हिस्सा है जी, अभी हम आगे नहीं देखा हमने, हम पहले चारों तरफ से देख लें इसको, हद निगाह। कब्रें तो नहीं है ना ये कब्रें जी, भी ख्याल यही आ रहा था, इधर भी उधर भी कब्रिस्तान तो नहीं हो सकता यार, कब्रिस्तान नहीं है लेकिन एक चप्पल भाई, खामोशी डरा रही है पता। वो हमारे पुराने साथी अरसलान भाई कहते हैं तूफान के आने से पहले एक खामोशी हो जाती है ना, सन्नाटा, कुछ वो महसूस हो रहा है, कुछ हो तो इतना वो नहीं होता कि अब ये अचानक अल्लाह माफ़ करे जो खामोशी है ना, कुछ ज़्यादा सोच में डाल रही है। चलें यार, यहाँ भी गोबर भाई, ये पीछे देखे ना, पीछे कितना चला गया, जहाँ से मार ये देख लें, ये देख लें दादा, ये गोबर ही गोबर है यहाँ पर तो। छिपकलियां उड़ रही हैं, ये देखें, ये देखें, छिपकलियां उड़ रही हैं, ये देखें, ये देखें, कामरान भाई ये खुला हुआ है, ये सामने का है। छिपकली देखें शीशे, हाँ बहुत है यार, जमीन पे इतनी नजर आ रही है यार, इसका हाल तो देख लें पहले।
चले मैं चाहूंगा ये जगह देख लें पहले आप। जी सोफों पे निशान देखे थे आपने? सारे ऑफिस की जगह जमा की है उन्होंने, किसी काम के नहीं जमा ही कर रहे हैं। बिल्ली आती है यहाँ पर, बिल्ली के पंजों पे निशान है। बिल्ली है, कुत्तों के निशान है, कुत्ते के पैर के निशान है। ये रूम बंद है सर? भाई रूम बंद है सारे? ये तो लॉक ही खराब है। लॉक ये तो उससे भी ज्यादा गर्म है, है ना? जबकि विंडो खुली है इसकी, क्या करें? ये तो लगता है कि उसके बाद खोला ही हमने। जी मीटर भक्का आ रहा है से। इधर भी यही हाल है फोर सीलिंग का। Thank you.
Mm-hmm.